So, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कमर्शियल के बारे में, जिसमें मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सोहो एंड शोरूम में इन्वेस्टमेंट की ऑप्शन मिल जाएगी। अब हम बात करेंगे रेजिडेंशियल के बारे में। तो रेजिडेंशियल में आपको दो ऑप्शंस मिल जाएंगी, आपका हाई राइज एंड आपका लो राइज। जो आपका हाई राइज है वो आपका प्री लॉन्च ऑफर में आ जाएगा, एंड जो लो राइज है वो आपका रेडी टू मूव है यहाँ पे, जिसका एक्चुअल अपार्टमेंट मैं आपको दिखाऊंगी भी। लो राइज की बात करेंगे, उसमें आपका 2 BHK आ जाएगा इन द साइज ऑफ 1172 square feet। जैसे कि मैंने बताया, जिसका एक्चुअल अपार्टमेंट, रो अपार्टमेंट मैं आज आपको टूर भी कराऊंगी, जहां से आपको स्पेस का आइडिया हो जाएगा, साइज का आइडिया हो जाएगा, एंड कैसा लेआउट रहेगा उसका भी आइडिया हो जाएगा। सेकंड हाई राइज की बात करती हूँ, तो उसमें आपका माइवान कंस्ट्रक्शन यूज किया गया है, प्री लॉन्च ऑफर में आ जाएंगे, जिसमें आपको 2 BHK एंड 3 BHK ऑप्शन अवेलेबल रहेंगी। एंड इसमें जो आपके फ्लैट्स रहने वाले हैं वो आपके फुली लोडेड फ्लैट्स मिलेंगे, जिसमें आपको अप्लायंसेस वगैरह भी विद द परचेज मिलने वाले हैं। तो अब बात कर लेते हैं एमिनिटीज के बारे में। तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट के अंदर 1.5 एकड़ का काफी बड़ा पार्क मिल जाएगा, जो आपका जो कमर्शियल है उनकी बैक साइड पे रहेगा, एंड 2 BHK के सामने आ जाएगा बिल्कुल फ्रंट में। एंड उसके अलावा भी प्रोजेक्ट में बहुत सारे ग्रीन स्पेसेस हैं, छोटे छोटे, मतलब ग्रीनरी आपकी काफी ब्यूटीफुल तरीके से मेंटेन करी गई है, जो आपको देखने में भी अच्छी मिलेगी एंड हमारी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है। एंड जो आप बीच का ये रोड देख रहे हैं ना, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि ये जो आपका कमर्शियल टू कमर्शियल का डिफरेंस है, ये आपका 176 फीट का रहने वाला है, जिसमें 66 फीट का आपका ये मेन रोड रहेगा, जो आपका कंक्रीट का बना हुआ है। कंप्लीट डिजाइनिंग इसमें ब्यूटीफुल आप देख सकते हैं। एंड जो आपके साइड में स्लिप रोड्स आ जाएंगे वो 55 फीट के रहने वाले हैं, जहाँ पे आप पार्किंग एक्सेट्रा भी कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी है प्रोजेक्ट के अंदर। और मैं बात करूँ तो आपको बहुत ही लग्जरियस सा यहाँ पे क्लब हाउस मिलने वाला है G+6 कंसेप्ट के साथ, जिसमें आपको डिफरेंट एमिनिटीज मिल जाएंगी, लाइक योर जिमनेजियम, योर पार्टी हॉल, बैंक्वेट हॉल, आपका ड्राइवर डोरमेट्री आ जाएगा, आपके सर्वेंट्स के लिए रूम आ जाएंगे, स्विमिंग पूल रहेगा, मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली हैं, जहां पे आप अपना एक लग्जरी लाइफ स्टाइल एंजॉय कर सकते हैं जब भी आपके पास टाइम हो, जब भी आप फ्री हो। सो ये तो थी एमिनिटीज की बात। एंड अगर हम हाई राइज की बात करेंगे, तो उसमें आपका जो 2 BHK का साइज रहने वाला है वो रहेगा आपका 1412 square feet, एंड जो आपका 3 BHK रहेगा वो रहेगा आपका 1834 square feet। सो ये तो होगी बाहर की बातें। अब चलते हैं डायरेक्टली हमारे 2 BHK के रॉ अपार्टमेंट की तरफ, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, जो आपको मिलेगा S+3 के कंसेप्ट के साथ। सारी पार्किंग आपकी स्ट्रीट में रहेगी, एंड उसमें एक्सेस करने के लिए आपको स्टेयरकेस भी प्रोवाइड किया जाएगा। आइए चलते हैं। हमारा आज का 2 BHK इन द साइज ऑफ 1172 square feet। एक फ्लोर पे 2 अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, सेंटर में आपका स्टेयरकेस आ जाएगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि S+3 का कंसेप्ट है, स्ट्रीट में आपकी सारी पार्किंग आ जाएगी। तो आइए चलते हैं अंदर, एंड अंदर से आपको टूर कराती हूँ मैं 2 BHK का। सो जैसे आप अंदर एंटर करेंगे मेन डोर से, यहाँ पे आ जाएगा आपका ड्रॉइंग पार्ट, जो काफी स्पेशियस आपका रहने वाला है। इजीली आप यहाँ पे 5 to 6 seater सोफा आराम से लगा सकते हैं। इसी के साथ आपका बालकनी भी अटैच रहेगा, जिसमें आपका कंप्लीट टफन ग्लास का यूज किया गया है, जो आपके साउंड प्रूफ होता है। आइए अब चलते हैं, आपको बालकनी भी दिखाती हूँ। सो ये रहेगी आपकी बालकनी, जहाँ से आपको कंप्लीट पार्क का व्यू मिल जाएगा। इन फ्यूचर ये जो सामने वाला आप एरिया देख रहे हैं, जहाँ पे आपका अभी तो बहुत सारे ऑफिसेज बने हुए हैं काइंड ऑफ, तो ये सारा आपका उठ जाएगा। यहाँ पे आपका 1.5 एकड़ का पार्क रहेगा, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, तो यहाँ से आपको पूरा पार्क का व्यू मिलने वाला है। एंड ये जो आपका फर्स्ट फ्लोर है, जहाँ पे आपको मैं अपार्टमेंट दिखा रही हूँ, यहाँ पे ना आपको किचन के साथ ये वाला पोर्शन जो है वो ओपन मिल जाता है काफ़ी सारा। तो ये सिर्फ आपका फर्स्ट फ्लोर के लिए रहेगा, ऊपर आपका जो बालकनी है वो आपका यहाँ तक रहने वाला है। तो यहाँ से आप साइज का आइडिया लगा सकते हैं। वैसे भी आपकी जो बालकनी है वो काफ़ी स्पेशियस रहने वाली है, जो आपकी किचन के साथ कनेक्टेड रहेगी। सो ये थी हमारी बालकनी।
एंड नाउ आफ्टर ड्रॉइंग एरिया एंड बालकनी यहाँ आ जाता है हमारा डाइनिंग सेक्शन जो अगेन आपका काफी स्पेशियस है। आराम से आप यहाँ पे 4 to 5 seater डाइनिंग टेबल एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सामने आपका वॉशरूम भी आ जाएगा जो एज अ कॉमन वॉशरूम भी यूज किया जा सकता है एंड आपके रूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा, तो बोथ वेज से इसकी एंट्रीज रहने वाली हैं, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, पहले हम किचन देख लेते हैं। तो ये आ जाएगा किचन स्पेस, आप देख लीजिए। ये आपका कंप्लीट कुकिंग काउंटर आ जाएगा यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। एंड यहाँ पे आपके जो सिंक रहेगा, यहाँ से रहेगा एक्सेस आपकी बालकनी के लिए जो मैंने अभी आपको दिखाई है ड्राइंग के साथ में। तो यहाँ से आप आइडिया लगा लीजिए स्पेस का, हर चीज का प्रोविजन मिल जाएगा आपको यहाँ पे। टैप्स आपके बिल्कुल लगे हुए मिलेंगे जैसे आप ये परचेज करेंगे अपार्टमेंट। गीजर के लिए आपका कंप्लीट प्रोविजन आ जाएगा, एग्जॉस्ट के लिए प्रोविजन आ जाएगा। एंड यहाँ पे भी जो आपका ये डोर यूज किया गया है, इसमें जो ग्लास है ये आपका टफन ग्लास आ जाएगा। एंड फॉर द लाइट एंड वेंटिलेशन आपका विंडो भी प्रोवाइडेड है, एग्जॉस्ट के लिए आपका पर्टिकुलर स्पेस आ जाएगा। सो आफ्टर आर किचन ड्राइंग डाइनिंग, अब यहाँ आ जाते हैं हमारे दोनों बेडरूम्स, जिसमें से एक बेडरूम मैं आपको दिखाऊंगी, सेम साइज है दोनों ही बेडरूम्स के। इसमें आपका कुछ सामान रखा हुआ है सफाई वगैरह करके, तो वो मैं आपको अभी नहीं दिखा सकती, काफी गंदा है। तो मैं आपको ये दिखाऊंगी बिल्कुल एज इट इज, ऐसा ही ये रूम आपका रहने वाला है, तो आइए। सो ये है हमारा फर्स्ट बेडरूम जो आप देख सकते हैं, बिल्कुल रॉ अपार्टमेंट है ये। जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि यहाँ पे अभी आपको कुछ भी नहीं लगा हुआ जो आपको विद द परचेज मिलेगा, ये मैं आपको तब दिखा रही हूँ ताकि आपको स्पेस का आइडिया लग जाए कि आप जो अपार्टमेंट परचेज करने वाले हैं यहाँ पे जो आपको इन्वेंट्री मिल रही है उसका स्पेस कितना है, कितने स्पेशियस आपके रूम्स आ जाएंगे, कितना स्पेशियस आपका ड्रॉइंग डाइनिंग रहने वाला है, किस तरीके का आपका किचन है, तो यहाँ से उन चीजों का आइडिया आपको लग जाए। तो कुछ इस तरीके का स्पेस हमारे रूम का रहने वाला है। सेंटर में आप यहाँ पे बेड लगा सकते हैं, यहाँ पे आ जाएगा आपकी कबर्ड्स के लिए पर्टिकुलर स्पेस बना हुआ है। सामने वाली वॉल पे यहाँ पे आपके प्रॉपर स्विचेस वगैरह सॉकेट्स वगैरह सब आ जाएंगे, एलईडी पैनल यहाँ पे बना सकते हैं, एलईडी वगैरह लगा सकते हैं। एंड यहाँ पे आ जाएगा हमारा बालकनी जो आपके घर का बैक बालकनी रहेगा। सो ये बालकनी आपका दोनों बेडरूम्स के साथ कनेक्टेड रहेगा, आपके फर्स्ट बेडरूम के साथ भी एंड आपके सेकंड बेडरूम के साथ भी। स्पेस देख लीजिए काफी अच्छा है, टैप्स वगैरह भी आपके प्रोवाइडेड रहेंगे ताकि आप वॉशिंग वगैरह का अगर एक्टिविटी बालकनी में करना चाहते हैं अपनी बैक बालकनी में तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये जो आपका सेंटर का पोर्शन है ये कंप्लीट ओपन रहने वाला है, तो लाइटिंग के लिए एंड वेंटिलेशन के लिए काफी अच्छा सिस्टम रहने वाला है। एंड नाउ यहाँ आ जाएगा आपका वॉशरूम, जो मैंने आपको बताया भी था कि आपका कॉमन वॉशरूम भी यूज हो सकता है एंड आपके बेडरूम के साथ भी कनेक्टेड रहेगा। जो आपका नेक्स्ट बेडरूम है उसके अंदर आपको पर्सनल वॉशरूम अंदर ही मिल जाएगा। सो यहाँ है हमारा वॉशरूम जिसमें अभी आपका सैनिटरी फिटिंग्स नहीं हो रखी हैं, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ड्रॉ फ्लैट है आपका, तो यहाँ पे आपका कंप्लीट बेसिन रहेगा एंड यहाँ पे आपकी सीट रहेगी एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका कंप्लीट बाथिंग के लिए सेक्शन। तो काफी अच्छा स्पेस है एंड ऑर्गेनाइज तरीके से आपकी सारी फिटिंग्स आ जाएंगी यहाँ पे। टाइल्स आपकी पूरी वॉल लेंथ पे आ जाएगी एंड जो आपका फ्लोरिंग है वो सारा आपका एंटीस्किड रहने वाला है। सो गाइज ये था हमारा आज का 2 BHK जो मैंने आपको दिखाया है इन द साइज ऑफ 1172 square feet। आपको ये अपार्टमेंट कैसा लगा, आपको ये प्रोजेक्ट कैसा लगा, 40 एकर्स की टाउनशिप कैसी लगी, क्योंकि पिछले वीडियो में आपने कमर्शियल भी देख ही लिया था इसका, इस वीडियो में आपने रेजिडेंशियल भी देख लिया, तो आपको ये टाउनशिप कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपका कोई भी रिव्यूज है, कोई भी क्वेरी है, आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं, स्क्रीन पे आपके नंबर आ रहा है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी और अच्छी सी डील के साथ, कोई अच्छे से प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन टाटा बाय बाय।